वेलकम। डाटा इंटरप्रिटेशन इस क्लास में आपका स्वागत है। इस बार का जो डीआई है वो 2014 में एसबीआई मेन में आया हुआ है। वो जो 2014 में एसबीआई मेन में एग्जाम हुआ था वो अब तक हुए सारे एग्जाम में एक अलग स्थान रखता है। उसमें डाटा को काफी टेढ़ा करने की कोशिश हुई, नतीजा हुआ कि स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हुई और उसका जो कट ऑफ सिलेक्शन मार्क्स था वो बहुत नीचे चला गया। लेकिन ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो एक एक के लिए सही है सबके लिए सही है। लो स्कोरिंग है तो वो भी सबों के लिए है, हाई स्कोरिंग है तो वो भी सबों के लिए है। लेकिन सब कुछ के बावजूद कुछ तो सहूलियतें थी, कैलकुलेशन काफी करवाया गया था, लेकिन हर एग्जाम में एक नन ऑफ दीज होता है, इसमें नहीं था। और अक्सर ही राउंडेड ऑफ टू टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल बोला गया, अप्रोक्सीमेटली बोला गया, ना भी बोले तो अप्रोक्सीमेशन करेंगे क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है। तो कुछ सुविधा थी, कुछ हद तक आप अप्रोक्स ले सकते हैं, यानी कैलकुलेशंस अगर आपको आते हैं तो आपका दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता, क्वेश्चन में चाहे कितने भी कैलकुलेशंस दिए गए हों। आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। ये पॉपुलेशन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ए कंपनी एक्स, ये 7 states हैं। इन 7 states के बारे में देखिए काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश हुई, लेकिन हम इसे क्यों माने कॉम्प्लिकेटेड, हम ढंग से कैलकुलेशन क्यों ना करें। ये 7 different states हैं, 6 भी नहीं है 5 भी नहीं है 7 है, और उनका टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है वो भी लाख वगैरह में होता है तो नहीं, देखिए इतना लाख इतना हजार इतना थाउजेंड ऐसे करके है, लाख एंड थाउजेंड। रूरल एंड अर्बन का रेशियो दिया हुआ है पॉपुलेशन में, बस इतना ही जनरली काफी होता है। लेकिन मेल फीमेल का भी रेशियो दिया हुआ है, लिटरेट इलिटरेट का भी रेशियो दिया हुआ है, एंड एक नई चीज है परसेंटेज ग्रेजुएट्स आउट ऑफ लिटरेट्स, यानी ये जो लिटरेट्स यहां से आप निकालेंगे उनमें से कितने परसेंट जो है वो ग्रेजुएट्स हैं वो दिया हुआ है, यानी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना मुश्किल है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। पहले हो सकता है ये तो हम लोग जो सीरीज चल रहा है डीआई का ये 25th है, इतने सारे डीआई बनाने के बाद तो लोगों को तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये डीआई किसी का पहला डीआई भी हो सकता है और पहली बार भी देख रहे हुए हो सकते हैं। इवन कोई नया नया स्टूडेंट भी हो सकता है जिसका सामना सबसे पहले इस डीआई से ही पड़ जाए। फिर भी मैं चाहूंगा कि सबों को बातें समझ में आए, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, इस पॉपुलेशन को 28:17 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो रूरल इज टू अर्बन, पहला रूरल होगा दूसरा अर्बन होगा, निकलेगा कि महाराष्ट्र में रूरल पॉपुलेशन कितने थे, यानी टोटल को हम 42 माने तो 45 माने तो 28 थे, तो टोटल को 45 मान करके 28 का पार्ट निकालेंगे तो हमें मालूम होगा कि रूरल पॉपुलेशन कितना था अर्बन कितना था। उसी तरह से मेल और फीमेल का जो रेशियो है 23:22 के रूप में है, और लिटरेट इलिटरेट 5:3 के रेशियो में है, यानी इसको 5:3 के रेशियो में बांट देंगे तो उस स्टेट में कितने लिटरेट हैं कितने इलिटरेट मालूम हो जाएंगे, और लिटरेट जब मालूम हो जाएंगे 5 out of 8 तो जो निकलेगा उसका 48% निकालेंगे तो लिटरेट में ग्रेजुएट्स कितने हैं उनका नंबर निकलेगा, और ऐसा ही अलग अलग स्टेट में है। अब इनके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पर जाने के पहले सबसे पहली बात है ये इतना 0-0 है ना, ये तो बड़ा हेडक है, हम इसे 1000 में पढ़ते हैं, लाख में नहीं 1000 में, यानी हमें दिखाई देता है 2250,000, हमें दिखाई देता है 1642,000, 1136,000, यानी यूनिट्स के रूप में हमें महाराष्ट्र का पॉपुलेशन दिखेगा 2250, 1000 लास्ट में 1000, तो हमको ऑपरेट करने के ख्याल से सुविधा हो जाएगी,
2250, उसी तरह से इसका 2050, इसका 248,000 उत्तराखंड, झारखंड का 960,000। इस तरह से डाटा को पहले आप पढ़ेंगे, एक तरह से समझिए इसको मिटा भी दे, 1000 लिख दे और मिटा दे। पर मिटाते इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ही आया था ना, लेकिन समझते हैं 1000 के रूप में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वहीं बात करेंगे क्या कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, अर्बन पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड ओडिशा टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज टू स्टेट्स एंड राउंडेड ऑफ टू टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। टू डिजिट के बाद इसको खत्म कर देना है, लेकिन फिर भी इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे ही, पक्का करेंगे, और ये तो खुद भी कहता है राउंडेड ऑफ टू टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। आप देखिए अर्बन पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड ओडिशा टुगेदर, यानी महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो 2250 है और ओडिशा की बात करें तो 1136 है, 1000। इसमें अर्बन पॉपुलेशन लेना है और दोनों को ऐड करना है। अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, देखिए 28:17 में 17 है, ये क्या है 28:17 है। देखिए पहले मैं निकालता हूं फिर मिटा दूंगा, यानी ये टोटल कितना हो 45 इज इक्वल टू 2250। One means what? देखिए 50 टाइम्स कटेगा ना, तो 17 means what? 850। नहीं आया समझ में, बताता हूं, ये ऐसे मत करने लगेगा 17/45, इतना टाइम नहीं है लिखने का, जो करना है इसका कैलकुलेशन का एक बड़ा भाग मन में करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, अगर रूरल एंड अर्बन, अगर रूरल में 28 है तो अर्बन में 17 है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 45 इज इक्वल टू 2250। तो देखिए दिस 2255 टाइम्स कटता और ये 0.50, 1 का मतलब 50 है, तो 17 का मतलब 17 × 50, 28 का मतलब 28 × 50। अगर रूरल की चर्चा होती तो हम लोग बोलते 28 × 50 यानी 1400, और इसकी बात है तो 17 × 50 850। ये समझ में आ गया होगा, तो देखिए ये जो 50 है 1 का मतलब, ये तो हम लोग मन में निकाल ले रहे हैं, इवन 17 × 50 भी हमारे मन में कैलकुलेशन हो जा रहा है, तो ये वैल्यू निकल गया। ओके, इसके बाद ओडिशा, ओडिशा में रूरल और अर्बन का जो रेशियो है 11:5 है। आप देखिए डाटा में सब कुछ टेढ़ा नहीं होता, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो उसमें सुविधा है, इस बात का ध्यान रखा गया है कि बनाने वाला इंसान है कंप्यूटर नहीं। 11:5, तो 11+5 कितना हुआ 16, 16 इज इक्वल टू 1136, 16 × 7 = 112 और 1 71 टाइम्स कट जाएगा, तो 71 × 5 कहने का मतलब 355। समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं 11 अगर रूरल हो तो 5 अर्बन होगा, तो टोटल 16 होगा, 16 ना हो करके 11:36 है, तो ये देखिए हम लोग कैंसिल करें तो 71 टाइम्स कटता है, यानी 1 का मतलब 71 है, तो 5 का मतलब क्या हुआ, 5 × 71, 11 का मतलब क्या हुआ × 71, लेकिन हमको रूरल नहीं पूछा गया है, अर्बन पूछा गया है, इसलिए अर्बन से ही सिर्फ मतलब है। ठीक है, समझ गए, अब आइए, ये समझ गए, अब ये रूरल और अर्बन मिला करके, तो ये अर्बन पॉपुलेशन दोनों जगह का मिला करके कितना हुआ, तो ये कैसे ऐड करेंगे, तो 50 इसको दे दीजिए, 50 इसको दे दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, तो 400 और 800, यानी कहने का मतलब 1205। अप्रोक्सीमेशन करेंगे, अभी तक हमने नहीं किया है, अभी तक एग्जैक्ट लिया है, 1205 क्या आएगा, 1000 आएगा। ओके, उसके बाद आइए देखिए, ये जो 1205 टोटल अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इन दोनों महाराष्ट्र और उड़ीसा का मिला के,
ये इनके टोटल पॉपुलेशन का, तो इनके टोटल पॉपुलेशन क्या होगा 33,086,000 पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? बोले पहले यहां तक समझ में आया, फिर मैं मिटा दूंगा। हमने ये निकाल लिया कि टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितना है, ये कहां का, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा का, और महाराष्ट्र और उड़ीसा के टोटल पॉपुलेशन क्या है, ये वाला दोनों ऐड कीजिए, टोटल पॉपुलेशन क्या है 3386। तो 1205 जो है 3386 का कितना परसेंट है ये निकालना है, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कि ये 1205 जो है वो 3386 का कितना परसेंट है। कहने का मतलब यूजुअली जैसे आप ऐसे बनाते थे ये दिया है, ऐसे करना नहीं है, ऐसे करना नहीं है, ये तो समझ चुके। तो कैसे करना है, ऐसे तो करना नहीं है, कैसे करें कि जल्दी से कैलकुलेशन हो। तो सबसे पहली बात है कि डाटा को हम सुटेबल बनाते हैं। सुटेबल का मतलब हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, कहने का मतलब 338 लिखते हैं और 120 लिखते हैं, ठीक है। ये 338 हुआ, ये 120 हुआ, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, 340 लिखते हैं और 120 लिखते हैं, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया है, इसके कारण जो असर पड़ेगा उसको एग्जाम्पशन के समय सोच लेंगे। 340 का 120 कितना परसेंट है, जरा बताइए 10% को क्या बोलते हैं, 34, तो 30% कितना हुआ 102, तो 102 इसमें से निकाल दीजिए, 102 का मतलब हुआ 30%, बोलिए हुआ 102, बाकी कितना बचा 18, 18 को क्या बोलेंगे 5% से स्लाइट अबव, जल्दी बोलिए 18 को क्या बोलेंगे, 18 को क्या बोलेंगे, तो 5% से स्लाइट अबव। तो 120 को क्या बोलेंगे, 35 point something बोलेंगे, 35 point something में कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। देखिए ऐसा है, 340 को 100% लेके हम लोग बात किए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे समझिए, 340 का मतलब है 100%, 34 का मतलब हुआ 10%, 3.4 का मतलब हुआ 1%, लेकिन हम लोगों को जो जरूरत है उसके मुताबिक 10% 34 है, तो 102 का मतलब हुआ 30%, हमें 120 का परसेंट वैल्यू निकालना है 120 का, तो बाकी जो बचा 18 इसको क्या बोलते हैं, देखिए 10% 34 है तो उसका हाफ बोलते हैं 17, यानी 35 point something, दैट मींस सेकंड नंबर आंसर। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो चाहे डाटा कितना भी टेढ़ा दे आप जल्दी बना सकेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंट इज द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र लेस देन इट्स रूरल पॉपुलेशन। 5-6 क्वेश्चन का ये सेट है, उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा दिया जिसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बस अगर सही ढंग से आपने सोचा समझा तो तुरंत कैलकुलेशन कर सकेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन तो ये कह रहा है, अप्रोक्सीमेशन है, बाय व्हाट परसेंट इज द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र लेस देन इज रूरल पॉपुलेशन। महाराष्ट्र में अर्बन पॉपुलेशन निकाल लिया 45 इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो 17 मींस व्हाट, 28 इज इक्विवेलेंट टू दिस, 45 इज इक्विवेलेंट टू दिस, 28 means what? इस तरह से रूरल भी निकाल लिया, अर्बन भी निकाल लिया, फिर अर्बन को रूरल से घटा दिया, फिर उसका परसेंटेज निकाल दिया और एग्जाम ओवर हो गया। अरे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, 17 जो है 28 से कितना परसेंट कम है, 11 का मैं बात खत्म, नहीं समझे, 17 जो है वो 28 से कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है, किससे, 28 से, बस इसी का परसेंटेज निकालना है। इसको थोड़ा सुटेबल बना देते हैं, सुटेबल। अब बताइए मुझे 10% को क्या बोलते हैं, 28, 28 × 56 × 112, 112 होता तो 40% होता कि नहीं, जल्दी बोलिए, 112 होता तो ये 40% होता कि नहीं, कितना कम है, 2 कम है, 2 को क्या बोलते हैं, करीब 1% कम बोलते हैं, आंसर क्या हुआ, 39%, 39% इज द आंसर, देखिए 39 और कहीं नहीं है सिवाय इसके।
बोलिए कोई प्रॉब्लम? एक्चुअल पॉपुलेशन निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि महाराष्ट्र में रूरल अगर 28 है तो अर्बन हुआ 17, तो 17 अर्बन का परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, अर्बन कितना कम है उसका परसेंटेज पूछता है। तो 28 में 17 है तो 11 कम है, 11 लेस, 11 इज व्हाट परसेंट ऑफ 28, ये हमें निकालना था। इसको भी हमने सुंदर सा नंबर बना दिया ताकि आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। 28 × 56 × 112, 28 को डबल किया, दैट मींस 40% होता। अगर 112 होता, थोड़ा लेस है, 2 लेस है, 2 मतलब 1% लेस है, 39% इज द आंसर। बोलिए समझे? इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश इज इलिटरेट। हाँ, इसमें तीनों निकालना है। इन तीनों का टोटल पॉपुलेशन और यहां जो इलिटरेट है उनका टोटल पॉपुलेशन, ये निकालना ही पड़ेगा तो ही इलिटरेट का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2480,000 है, इसमें इलिटरेट कितने हैं? इलिटरेट 20:11 के रूप में है, ये मैं लिखता हूं ताकि समझ में आए। आप देखिए, अगर पूरे को 31 माने तो ये 80 टाइम्स में कटता है, 31 से 8 बार में कटता है ना, 80, तो ये वैल्यू क्या हुआ, 11 × 80 यानी 880। यहां पर इलिटरेट का नंबर निकल गया, नहीं समझे? 20 + 11, 31 को यदि हम लोग 2480 बोले तो ये कटता है ना 8 टाइम्स यहां तक और ये 0। 1 मीन्स 80, तो 11 मीन्स व्हाट? इलिटरेट मीन्स व्हाट? लिटरेट होता तो ये, इलिटरेट मीन्स व्हाट? तो 11 × 80, 880, समझ गया? इसके बाद ओडिशा, ओडिशा में 1136 है और ओडिशा में इलिटरेट 11:5 के रेशियो में लिटरेट इलिटरेट है, तो 11 × 5 = 16 से ये कितने बार में कटेगा, 71 टाइम्स में कटेगा, यानी 71 × 5, ये हमें पता है इलिटरेट कितने हैं, 355। बोलिए समझे? और थर्ड नंबर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 1642। हाँ, और इसमें इलिटरेट कितने हैं, इलिटरेट 3:1, यानी 1/4, यानी 25%, यानी 410.5, 410.5। देख लीजिए, 3:1 है ना, 1/4, 25%, 1/4, 1600 का 400, 40 का 10, तो 410 और 2 का 0.5, लिखे 1/4, समझ गए? ये अगर समझ गए तो मैं मिटा दूं, ओके? अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो टोटल पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन कौन सा टोटल पॉपुलेशन, इलिटरेट, इलिटरेट जो तीनों स्टेट में है इनका टोटल पॉपुलेशन। तो कैसे ऐड करें, तो 20 यहां से इसको दे दीजिए, 20 देने से कितना बचा, 35 और 10, 45, मैंने कहने का मतलब 45.5, ये 900 और 700, 1600, 45, ये सब का सम कर लिए, ये सम जो है इन तीन स्टेट के पॉपुलेशन के सम, अच्छा इसको मैंने मिटा दिया था, कौन कौन था, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, यहीं पर तीनों है, इन तीनों का सम चाहिए, इस तीनों के पॉपुलेशन का जो सम है, तो इस तीनों का पॉपुलेशन हम लोग कैसे सम करें, देखिए ये 48 और 42, ये 90 हुआ, 10 ले लीजिए, 1 हुआ, ये वाला कितना हुआ, 11 × 24, 35, 35 and 7, 7, 70, 35 and 42, 52, 52, 100, और बाकी जो बचा वो देख लीजिए, ये आया था आपका 1642, 1136, हाँ, और वेस्ट बंगाल 240 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया और
58 हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि टोटल जो है आपका वो 52-58 है, किसका, इन तीनों स्टेट का पॉपुलेशन। इसका ये कितना परसेंट है ये निकालना है, ठीक है। 52-58 है, इसका ये कितना परसेंट है। कैसे निकालें ये सवाल है, ये डाटा तो अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां डेसिमल दे देते हैं, वन प्लेस किसका देते हैं, तो नंबर थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। डबल कर देने से 500 मतलब क्या क्या समझ रहे, समझ रहे 526 समझ रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 165 समझ रहे हैं कि इसका ये कितना परसेंट है। अब ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, डबल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1052 ऐसे बोलेंगे, और ये मतलब आप ऐसे करेंगे तो 330। ऐसा करने से सुविधा होगी निकालने में, कैसे होगी, देखिए 10% को क्या बोलेंगे, 105, थोड़ा सुटेबल नंबर आ गया। 52.6 का पहाड़ा पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है। 10% कितना है, 105.2 छोड़ दीजिए, 105, तो 30% कितना हुआ, 315 को क्या बोले, 30%, 315 को क्या बोले, 30%, बाकी क्या बचा, 15 कितना है, 1.5%। देखिए 1% 10, 1.5%, यानी 31.5%, 31.5% के आसपास कौन सा है, यही 31% आंसर है। ये समझ में आया, बोलिए। इसमें परसेंटेज ढंग से निकालना जरूरी है। ये वन प्लेस खिसका दिया इधर, नंबर को थोड़ा सुटेबल बना दिया, उसके बाद यहां से भी आप बोल सकते थे ये भी अच्छा नहीं लगा तो हमने डबल कर दिया। अब ये नंबर सुंदर सुंदर हो गया, आराम से बोलिए 10% क्या है, 315 है तो 30% हुआ, बाकी जो 15 बचा वो 1.5 के आसपास है, 31 point something है, यानी 31% है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसमें देखिए क्या है, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड दोनों के बीच जो ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स तो तभी निकलेंगे जब हमें लिटरेट निकल जाता है तब, तो मध्य प्रदेश देखिए पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, दोनों के बीच डिफरेंस। तो मध्य प्रदेश में 1642,000 बोलेंगे और उत्तराखंड में 248,000 बोलेंगे। मध्य प्रदेश में लिटरेट कितने हैं, क्योंकि लिटरेट के परसेंटेज के रूप में ग्रेजुएट्स दिया हुआ है, तो मध्य प्रदेश में लिटरेट 3:1 बोलेंगे, तो 3:1। अब 3:1 जब हम लोग निकाल लेंगे, व्हाट इज 3, दैट मीन 75%, तो हमें निकालना होगा 35%, ठीक है। तो ये आसानी से निकलता है, देखिए डाटा जैसा है आसानी से निकलता है। 3+1 4 इज इक्विवेलेंट टू दिस, 410.5 होता है, ट्रिपल कर देते हैं तो 1200 और 30.5 या 15 जो भी बोलिए एक ही बात है, नहीं समझे, देखिए 4 इज इक्विवेलेंट टू 1642, ये कितना टाइम्स है, इसको हम लोग कैंसिल करें तो 410.5 टाइम्स है, तो 3 का मतलब क्या हुआ, ये भी यही होगा ना, 1231.5 हो कि नहीं, 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम। अगर 1 निकालना हुआ इलिटरेट तो 1 मींस व्हाट, तो 410.5, और 3 मींस व्हाट, 1231.5, और 4 मींस व्हाट, दोनों ऐड कर दिया तो 1642। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, आपने देखा कि ये डाटा जो दिया हुआ है उसको देख करके ही हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो ये क्या निकला, इसको यहां लिखते हैं 1231.5, इसको यहां लिखते हैं, ये क्या निकला, ये लिटरेट पीपल निकला, और लिटरेट का 35% ग्रेजुएट है, तो इसका 35% कैसे निकाले, देखिए हम लोग थोड़ा सा रफ हो सकते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्स हो सकते हैं। 10% कितना है, देखिए 123, तो 30% कितना हुआ, 369 मान लीजिए, ये नेगलिजिबल है, 369 थोड़ी देर के लिए लिखा, और 5% क्या होगा, 61.5,
तो 61.5 तो 430 समझ लीजिए, 430 ये 430 या 0.5 ये लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं, नहीं समझे। 10% क्या है 123, तो 30% कितना हुआ 369 और 5% कितना हुआ 123 का हाफ 61.5, कहने का मतलब 61.5 कहने का मतलब दिस इज 30% एंड दिस इज 5% एड कर दिया तो 35% दैट मीन्स की ये 70, 60, 430.5 समझ गए। ये भी जब आप समझ जाएंगे तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है 369 और फिर बोलेंगे 1 ले लिया तो 70 और फिर 60 430 या 430.5। अब आ जाइए दूसरा वाला क्या था, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, लिटरेट पीपल और इलिटरेट पीपल, ये 3:1 है तो ये भी 3:1 है और इसका 44% लेना होगा। तो देखिए ये भी आसानी से कटता है, 4 इज इक्विवेलेंट टू दिस, 4 से आराम से 62 टाइम्स कटता है। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में जो लिटरेट और इलिटरेट है 3:1 तो 62 into 3 आप बोलेंगे 62 into 3 तो 186, ये हुआ लिटरेट पीपल। ठीक है, 4 मीन्स दिस तो 1 मीन्स 62, 3 मीन्स व्हाट 186 और 186 का हमको लेना है 44%। कैसे ले, रफ लीजिए, अप्रॉक्स लीजिए। एक तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके 11 से मल्टीप्लाई करना आता है 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, पर उसकी जरूरत नहीं है। मुझे पहले बताइए 50% कितना होगा 93 और इसमें से 6% हटा देंगे तो हो जाएगा ना 44 6%। 1% कितना है देखिए तो 18 या 19 बोली 19 114 11 हटा दीजिए, 11 हटा दीजिए 11 या 11.5 कुछ भी 11.5 हटा दीजिए 11 हटा देंगे तो क्या आएगा 82। ठीक है, बस इसके बीच में कितने का डिफरेंस है ये पूछा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 18 यहां भी ऐड कर देते हैं, 18 यहां भी ऐड कर देते हैं, ये 100 हो जाता है, यहां से हटा देते हैं 100 तो ये 3 हो जाता है और ये 348.5 यानी कि ये आंसर 348.5 यानी कि ये आंसर। देखिए 348 के आसपास और कोई भी नहीं, ये समझ में आया, मतलब ऐसा है 82 को लेस करना है तो 18 इंक्रीज कर दीजिए और 100 लेस कर दीजिए तो 348.5 के आसपास और कोई नहीं है। तो समझ में आया आपको ये वाला। हाँ, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र टुगेदर। इस बार फिर तीन तीन स्टेट की चर्चा है और ग्रेजुएट्स निकालने के लिए कह रहा है। अगर आपके पास समय का अभाव हो तो ये क्वेश्चन छोड़ के आगे निकल सकते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चंस ठीक हैं, तीन बार नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी टाइम है तो फिर आप इसको बना सकते हैं। आइए ये मैप समझ लें, हमें टोटल नंबर चाहिए, किनका चाहिए, इन थ्री स्टेट्स के ग्रेजुएट्स का, और ग्रेजुएट्स कब निकलेगा, लिटरेट भी निकालना होगा और ग्रेजुएट्स में परसेंटेज भी निकालना होगा। तो देखिए ओडिशा, ओडिशा में क्या है 1136 हो गया, इसमें लिटरेट कितने हैं 11:5 बोलते हैं तो 16 से ये 71 टाइम्स कटता है तो लिटरेट कितने हुए 781। देखिए ये जो ओडिशा है, ओडिशा 1136 11:5 इसमें लिटरेट कितने हुए 16 से 71 टाइम्स कटा लिटरेट इतने हुए। ठीक है 16 ओडिशा, इसका फिर 38% निकालेंगे, चलिए यही निकाल लेते हैं 38%। 40% कितना होगा, रफ 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 कैलकुलेशन, 40% कितना होगा 78 दुना 156 दुना 312 312। ये जो 312 हुआ थोड़ा सा स्लाइड अब, और इसमें से क्या करना है 2% हटाना है, करीब 15 हटाना है, मतलब 297 नहीं समझे रुक जाइए। 10% कितना है, हमने कहा 78, उसका डबल कितना हुआ, तो डबल करने नहीं आता तो छोड़िए नहीं आता तो
78 को बोलिए 75 एंड 3, 75 का डबल 150 का डबल 300, और 3 का डबल 6 का डबल 12, 312, ठीक, 40% 312, और 2% कितना हुआ, करीब 15, 15 को इसमें से लेस कर दीजिए 297, ठीक है, यानी इसका हमने निकाला कितना परसेंट था, 38%। तो ये इलिटरेट पीपल थे और उसमें से ग्रेजुएट्स 297 थे, समझ गए। उसके बाद ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल कितना है 2480, इसमें लिटरेट कितने हैं 20:11 में 20 है, तो ये टोटल 31 है, 31 से ये कितनी टाइम करता है 80 टाइम्स, तो इनटू 80 हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं 1600 और 1600 का यानी वेस्ट बंगाल का 1600 का ये 42% है, 42% आसानी से निकाल सकते हैं, 10% 160 है, तो 40% कितना हुआ 640 एंड 2% कितना हुआ 32 देखिए 10% 160 640 और 2% 16 × 2 32 और 40% 640 ऐड कर दिया 42%, ठीक है, यहां हमने निकाला 42%। और थर्ड वाला जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है 2250 और रेशियो क्या है लिटरेट इलिटरेट 5:3, ये तो बड़ा मुश्किल है, 5 लिटरेट है 3 इलिटरेट है, 8 टोटल माने, 8 से तो कटता ही नहीं है, और 8 से कटता नहीं है तो 5 कैसे निकाले, तो आगे थोड़ा देखते हैं, महाराष्ट्र 48% हो गया जी, अरे भाई 5/8 इसका क्यों निकालेंगे, 5/8 उधर निकाल देते, 8 × 6 = 48, 6 देखिए देखिए 6 बजे 30% 30% 675 हो गया नहीं समझे, इसका 5/8 निकालना है और फिर उसका निकालना है हमें 48%, अरे भाई 5/8 और 48% इधर ही ले लेते हैं ना, 30% ही लेते हैं ना, और 30% 675। क्वेश्चन में हमेशा जगह होती है, जैसे ही दिक्कत हो रुकिए और समझने का प्रयास कीजिए प्रॉब्लम कहां है, और ये सबसे आसान हो गया जो सबसे टफ लग रहा था, अगर आप ये वैल्यू निकाल लेते तो, ये टोटल का सम करना है, सम कैसे करें, तो सम ऐसे करें, ये 5 और 2 7 हटा दीजिए और 3 इसको दे दीजिए, 4 बच गया, ठीक है, ये 300 6 6 12 और 3 1500 1644 क्या 1000 1644000 कहीं है, देखिए तो ये वाला जैसे ही आंसर, थोड़ा सा स्लाइट हमने कहीं किया था इसके कारण 1643 पॉइंट देखिए 78 है ना, ये 1644 कहीं नहीं है, बहुत दूर दूर है सर, यही आंसर, बोलिए समझ में आया। इसके बाद लास्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु एंड झारखंड टुगेदर टू द टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ दीज टू स्टेट्स, इसमें मुझे ऑप्शन लिखना चाहिए, रुकिए, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन के बिना नहीं होगा। फर्स्ट है 697:798, सेकंड है 715:797, थर्ड है 708:797, फोर्थ है 698:797 और फिफ्थ है 696:797। ऑप्शन चाहिए, देखने में क्वेश्चन टफ लगता है। इधर आइए, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु एंड झारखंड, तो इनका टोटल फीमेल निकालेंगे, ऐड करेंगे, फिर टोटल मेल निकालेंगे, ऐड करेंगे, और जो रेशियो आएगा वही क्वेश्चन का आंसर है। पर दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, वन इज एनफ,
कैसे आइए इधर आइए। सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु में यहां देखिए 2050 मतलब 2050,000 तमिलनाडु का पॉपुलेशन है और इसमें हमें क्या चाहिए फीमेल, तो ज्यादा डबल नहीं है बस एक ही बार निकालना फीमेल। 13:12 है ना, 13:12 तो 12 का वैल्यू क्या होगा, तो टोटल हुआ 25 से ये कितनी बार में कटेगा 82 times 35 देखिए 25 से 82 times तो 82 इंटू फीमेल पॉपुलेशन ये हुआ, ये 12 8 96 हुआ 960 और उसके बाद 24 984 देखिए नहीं समझे 25 से इसको कैंसिल किया तो 82 टाइम्स में कटा, 1 मीन्स 82 तो 12 मीन्स व्हाट हो गया, ये किसका निकला फीमेल पॉपुलेशन तमिलनाडु का। और झारखंड में क्या है 960 और झारखंड में जो मेल फीमेल का है 11:9 है, तो 11 and 9 20 का मतलब 1 मीन्स 48 into 9 ये फीमेल पॉपुलेशन हुआ 48 into 9 तो 48 इसको 50 मान लीजिए तो 450 हुआ 450 और उसमें 18 घटा दीजिए तो 432 जल्दी बोलिए इसको ऐड कर दीजिए तो 1416 ये हुआ फीमेल पॉपुलेशन। इसके बाद मेल का निकलेगा और रेशियो निकालना है, सुनिए रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल करेंगे ना, इसको थोड़ा कैंसिल कीजिए तो 708 आंसर 708 कहीं नहीं है, जो भी नंबर होना है उसी का प्रोडक्ट होना है ना, यानी कि हम लोग इजी बना के देख लिए 708 ये मेल फीमेल पॉपुलेशन है, उसके बाद फिर मेल निकालना है, ये आंसर दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए सब कुछ के बावजूद चाहे कितना भी टेढ़ा डाटा दे क्वेश्चन में स्पेस है कि नहीं, नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है, कम से कम ये क्वेश्चन और ये 2-3 क्वेश्चन 6 में से बहुत आसान है, अरे कितना भी टफ से टफ दे 6 क्वेश्चंस का अगर डीआई है तो उसमें 4 या 5 आप आसानी से बनाने की स्थिति में होंगे, कभी अगर कोई एक क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है जस्ट इग्नोर, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज्यादा बनाते हैं इससे मतलब है, न कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से। कभी भी कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड लगे, हार्ड हो या ना हो, भाई आपको हार्ड लगा तो आप छोड़ दीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं मुझे हार्ड लगा मैं छोड़ दूं, ये तो व्यक्तिनिष्ठ सवाल है, एग्जाम हॉल में सीखा नहीं जाता है, एग्जाम हॉल में परफॉर्म किया जाता है, वहां आपको लगता है नहीं बनेगा छोड़िए, सीखिएगा तो फिर दूसरी बार बनाइएगा, फिलहाल जो आता है वो तो बनाए, ये 6 में 6 बनाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी कारण से प्रॉब्लम हो तो 3 state वाला जो सवाल था जिसमें 3 निकालना था और ग्रेजुएट में जाना था उसको आप इग्नोर कर सकते थे, 5 तो आप आसानी से बना सकते थे और उतना लो स्कोरिंग नहीं होना चाहिए था जितना कि हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस डीआई के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आगामी जो भी एग्जाम है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ऑल द बेस्ट।